अमिताभ बच्चन, आप सबको नमस्कार करता हूँ और स्वागत करता हूँ। जानदार धंदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति पर। बहुत बहुत धन्यवाद देवी और सज्जनों। केबीसी आखिर क्या है? केबीसी कुछ कर दिखाने का प्रयास है। केबीसी आंखों में सपने की आस है। केबीसी अपने अंदर की ताकत की तलाश है। केबीसी खुद पर खुद का विश्वास है। केबीसी इंसान के ज्ञान का आसमान है। केबीसी इन दस कुर्सियों पे पूरा हिंदुस्तान है। केबीसी और उसी हिंदुस्तान का परिचय मैं आपसे करवाने जा रहा हूं। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले मिलिए और स्वागत कीजिए जलगांव महाराष्ट्र से एक फुल टाइम मदर का, इनका नाम है भाग्यश्री तायडे। ताली बजती रहनी चाहिए इनके लिए। इसके बाद मिलिए वडोदरा गुजरात की एक प्रोफेसर से जिनका नाम है पल्लवी माहिदा। स्वागत कीजिए हमारे अगले खिलाड़ी का, ये घर मध्य प्रदेश के एक टीचर हैं संतोष कुमारे। बढ़ते हैं जयपुर राजस्थान की दिशा में और मिलते हैं एक बैंक क्लार्क से ऋषभ बंसल। इसके बाद आते हैं नई दिल्ली में और मिलते हैं एक गृहिणी से जिनका नाम है कुमारी निधि। नई दिल्ली से आते हैं हिसार हरियाणा में और मिलते हैं एक स्टूडेंट से इंसिया अरोरा। हमारे अगले खिलाड़ी रामगढ़ उत्तराखंड में एक कंप्यूटर इंजीनियर है मोहित कुमार जोशी उनका नाम है। इसके बाद मिलिए अयोध्या उत्तर प्रदेश के एक टीचर से और ये है अभिषेक राजपाल। अब चलते हैं छतरपुर मध्य प्रदेश की दिशा में और मिलते हैं एक स्टूडेंट से साहिल अहिरवार। और अंत में स्वागत दिया जाए मुंबई महाराष्ट्र से एक बिजनेसमैन का जिनका नाम है रमेश जैन। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। ऑल द बेस्ट कंटेस्टेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं अब आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर हो जाए। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, रेडी क्वेश्चन नंबर वन। प्रश्न पहला आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन सी ऐतिहासिक घटना सबसे पहले हुई थी? Which of these historical events took place first? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी भारत की आजादी, सी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन, डी बंगाल विभाजन। हो गया समय समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए देखते हैं। सी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन, ये है सही उत्तर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और लेकिन सबसे कम समय में किसका है? भाग्यश्री थाड़े जी 3.08 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे इनकी स्थिति जो है भाग्यश्री नंबर वन स्थान पर पहुंच गई है। तैयार हो जाइए, दूसरा प्रश्न आपके सामने आएगा। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से किस खेल में मैदान के बीचों बीच कोई नेट नहीं होता है? इन विच ऑफ दी स्पोर्ट्स इज देयर नो नेट अलोंग द सेंटर ऑफ द प्लेइंग फील्ड? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए टेनिस, बी वॉलीबॉल, सी कबड्डी, डी बैडमिंटन। टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन। और समय समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी कबड्डी। कबड्डी सही जवाब है। किन किन लोगों ने कबड्डी में उत्तर दिया है? सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय में किसने दिया है? अभिषेक राजपाल जी ने 1.44 सेकंड में दिया है। तो अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती। भाग्यश्री नंबर वन पे थे, अभिषेक जी पहुंच गए हैं नंबर वन स्थान पर। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने आएगा। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सौर मंडल का इनमें से कौन सा ग्रह बृहस्पति और सूर्य के बीच स्थित नहीं है? Which of these planets of the solar system is not located between Jupiter and the sun? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए बुध मरकरी, बी शुक्र वीनस, सी पृथ्वी अर्थ, डी शनि। समय समाप्त, आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। डी सैटर्न, शनि सही उत्तर है। किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है ये देखते हैं। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसने दिया है? भाग्यश्री ताड़े जी ने 1.35 सेकंड। अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। अभिषेक जी नंबर वन पर स्थान पे थे,
बहुत बहुत बधाई आपको भाग्यश्री जी। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, कैसा लग रहा है? शिवरिंग शांति है कि नहीं ये बोलिए। नहीं सर, हाथ पर कांप रहे। अरे नहीं नहीं, कुछ कांपने आपने की जरूरत नहीं। कांपना तो पहले चल रहा था जब उंगली चला रहे थे, अब तो आप पहुंच गए यहाँ पर, है कि नहीं? यस सर। ऑलराइट, जोरदार तालियां एक बार फिर बजाएं उनके लिए। थैंक यू। तो देवेंद्र संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं, एक फुल टाइम मदर भाग्यश्री ताड़े जी, ये जलगांव महाराष्ट्र से हैं और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार फिर ताली बजवा देते हैं आपको। अच्छा देवी जी, ऐसा है कि आपने संदेश भेजा था एक कि फुल टाइम मदर बोलना। जी सर। फुल टाइम मदर क्या होता है? मदर मदर होती है सर। आपने ये माँ तो माँ होती है ना? यस सर। और माँ जो है वो फुल टाइम होती है हमेशा? हाँ सर। तो हाँ। बोलने में नहीं सर, आपने ये मेरा संदेश एक्सेप्ट किया इसलिए आपका थैंक यू। और सर पहले तो मैं खुद को एक गृहिणी बुलाती थी, लेकिन मेरी अब 2 महीने पहले ही एक बेटी हुई है जिसका मैंने नाम श्रव्या रखा है। तो सर मेरा पूरा दिन पूरे रात उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं सर। मैं उसी के साथ रहती हूँ, उसी के साथ खेलना कूदना, उसी को देखना, तो ना पढ़ाई को टाइम मिलता है ना घर के कामों के लिए टाइम मिलता है। तो इसलिए सर मैंने अभी खुद को फुल टाइम मदर इंट्रोड्यूस करना। जी जी जी, अच्छा समझाए। ये आ गई फोटो, आप बहुत सुंदर है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपके जो कंपेनियन के रूप में आपके पतिदेव आए हैं, प्रणाम करता हूं आपको भाई साहब। आपका शुभ नाम? प्रणाम सर, मेरा नाम पुलिस नायक संगपाल ताड़े, मैं जलगांव पुलिस में एज अ नायक इस पद पर कार्यरत हूँ। ओके, बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका, जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। अच्छा, ऐसा नहीं होता है फुल टाइम मदर जी कि हस्बैंड जो है वो भी फुल टाइम हो जाए? नहीं सर, वो तो उनके ड्यूटी संभालते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं। तो उनका भी तो फुल टाइम ड्यूटी है ना? नहीं सर, ड्यूटी का टाइम एक स्लॉट उनका फिक्स रहता है, आने के बाद वो उनके सोशल मीडिया पे रहते हैं कंटिन्यू, और थोड़े बहुत हेल्प कर देते हैं मेरी, और मैं उसको रात भर जगा के या फिर उसको फीडिंग करके सुलाती हूँ। और ये सर महाशय सुबह सुबह उठ के उसको जगा देते हैं। कैसे? रियाज करते हैं सुबह सुबह उठ के 5 बजे। यानी ये गाते हैं? हाँ सर। भाई साहब ये तो अद्भुत है, क्या गाते हैं आप, क्या रियाज करते हैं सुबह सुबह? सर बचपन से गाने का बहुत शौक रहा है मुझे, जी गाने जी। का एक्टिंग का, और बचपन से आपको ही देखा है, आपकी एक्टिंग देखी है, तो थोड़ा बहुत मैं प्रयास करता हूँ गाने का, रियाज भी करता हूँ। और कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि मैं ड्यूटी पर जा रहा था, एक गाना गा रहा था, उसके बाद फिर मेरी पूरी लाइफ, हमारे दोनों की लाइफ पूरी चेंज हो गई। फिल्मों में भी गाया मैंने, मराठी फिल्मों में गाए, एज अ एक्टिंग भी की है, और काफ़ी जलगांव से महाराष्ट्र से बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमको दोनों को। बहुत सुंदर गाते हैं आप। थैंक यू सर। और इनका रियाज जो है कभी बंद मत करवाइएगा सर, लेकिन चलता रहे। हम दोनों के नींद नहीं, नहीं, मैं आपको बात बताऊं एक। यस सर। पता नहीं ये सही है कि नहीं। हाँ। बचपन में जो भी बच्चे देखते हैं सुनते हैं वो फिर उनके अंदर समा जाता है। आ जाता है सर। हो सकता है कि आपकी जो बेटी है वो बड़ी होकर के इनसे भी बेहतर गाना शुरू कर दे। यस सर, इसलिए उसका नाम श्रव्या रखा है सर। इसीलिए श्रव्या राम रखने का, बहुत खूब। अब जल्दी से आपको जो खेल के नियम है वो समझा देता हूँ, उसके बाद खेल शुरू करेंगे। यस। अच्छा, जैसा कि आप जानती होंगी यहाँ पर हमारे एक धनालय खड़ा हो जाता है प्रश्नों का, 15 प्रश्नों का पहाड़ होता है, एक एक प्रश्न का उत्तर देती जाइए और धनराशि जीतती जाइए। 1,000 रुपये से शुरुआत होती है, चढ़ते चढ़ते पहुँच जाता है 15 प्रश्न पर 1 करोड़ रुपये। बीच में 2 पड़ाव आते हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद 1 करोड़ रुपए और उसके बाद हमारा जैकपॉट प्रश्न जो है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। पहले 5 प्रश्नों तक 45 सेकंड, 5 से 10 तक आपको मिलेंगे 60, उसके बाद ये शांत हो जाएगा। चांस मत लीजिएगा, कभी भी दुविधा हो, शक हो, संदेह हो, लाइफ लाइन हमने आपके लिए रखी हुई, देखिए आ गए हैं सब बगल में हमारे। ऑडियंस बोल 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। तो हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूँ। देवेंद्र संजो, हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो हैं सृजन पाल सिंह जी। ये एक लेखक हैं, ऑथर हैं, और होने के साथ साथ एडुकेशन इनोवेटर और पब्लिक स्पीकर भी है। लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी में इनकी विशेष रुचि है, और हम चाहेंगे सृजन पाल सिंह जी आप प्रकट होइए हमारे सामने। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जोरदार तालियां बज जाएं सृजन पाल सिंह जी के लिए।
नमस्ते अमिताभ जी, इस अनोखे खेल में शामिल होकर के, ज्ञान के इस खेल में शामिल होकर के आपके साथ मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आज के हमारी कंटेस्टेंट जो हॉट सीट पे है भाग्यश्री जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके नाम में भाग्य भी है और श्री भी है, और ज्ञान के साथ अगर हम उसको जब मिलाएंगे तो आप बहुत सारा धन जीते हैं। ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। मैं आपके साथ हमेशा यहाँ पे बहुत बहुत सुजन पाल जी हमारे साथ रहेंगे, जब भी आपको उनकी आवश्यकता पड़े आप इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न, फुल टाइम मदर जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मुहावरे के अनुसार यदि कोई लड़की चांद का टुकड़ा है तो वास्तव में वो उसे कैसे बताया जा रहा है? अभी जो पतिदेव ने गाना गाया उसको लेकर के मत चलिएगा, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। उन्होंने भी अभी चांद का वर्णन किया था। अकॉर्डिंग टू अ हिंदी प्रोवर्ब, इफ अ गर्ल इज रिफर्ड टू एज अ चांद का टुकड़ा, शी इज कंसिडर्ड टू बी विच ऑफ दीज? ए ब्यूटिफुल, बी सेल्फिश, सी ऑनेस्ट, डी चेयरफुल। खूबसूरत, स्वार्थी, ईमानदार या खुश मिजाज? सर प्लीज लॉक ए, खूबसूरत। खूबसूरत ताला लगा दें? यस सर। खूबसूरत पे खूबसूरती से ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, जवाब जीतने 1000 रुपए। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुजराती फरसाण किस तरह का व्यंजन है? What kind of a food item is a Gujarati farsan? A. Drink. B. Savory snack. C. Curry. D. Sweet. पेय पदार्थ है ये? नमकीन स्नैक्स है, करी है या कोई मिठाई है? सर प्लीज लॉक बी, नमकीन स्नैक्स। नमकीन? यस। नमकीन स्नैक्स के ऊपर ताला लगा दीजिए। ये भी सही जवाब दिया आपने, 2000 दिए हैं आप। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर, 3000 रुपए ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न, कैरम बोर्ड में एक बार में अधिकतम कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? ऑन अ कैरम बोर्ड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट कैन प्ले कैरम बोर्ड? ऑप्शन सुनिए, ए 2, बी 6, सी 4 या डी 8? सर प्लीज लॉक सी 4। चोर है? यस। लगा दे ताला? यस। सी 4, 4 ताला लगा जाए। ये भी सही जवाब दिया। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए रेडी अक्षय जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस हिंदी फिल्म सीरीज का मुख्य किरदार एक पुलिसकर्मी है? बताइए, पुलिस वालों का आ गया प्रश्न। पतिदेव को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर जी थोड़े से विनम्र हो गए। द मेन कैरेक्टर विच ऑफ दीज हिंदी फिल्म सीरीज इज अ पुलिसमैन? ए मुन्ना भाई, बी सिंघम, सी गोलमाल, डी हाउसफुल। सर प्लीज लॉक बी सिंघम। चोर? यस सर। कंफर्म कर दिया है? यस सर। लगा दें ताला? यस सर। बी सिंघम पे कह रहे हैं भाग्यश्री जी ताला लगाने को, लगा दें। सही हो गया उत्तर आपका। तो ये घर में वैसे ही है सिंघम जैसे? सर वो ड्यूटी में जितना स्ट्रिक्ट है उतना ही उसके पूरा उल्टा वो घर में है। पूरा उल्टा, ये बहुत अच्छी बात है भाई साहब। क्या है, घर का वातावरण जो है वो पुलिस स्टेशन की तरह नहीं होना चाहिए। ओके, फुल टाइम मदर जी, एक हमने वीडियो क्लिप बनाया हुआ आपके ऊपर, हम चाहते हैं कि सब लोग उसे देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? साइडे कपल, वो तो जलगांव का गॉड गिफ्ट कपल है, उनको कौन नहीं जानता, वीडियो वायरल है उनकी, मजेदार वीडियो बनाते हैं वो, दिल खुश हो जाता है देख के। कहाँ गई? आ गया, बहुत देर लगा दी, थक गए ना? तबीयत ठीक है? 3000 रुपए दे दो, साड़ी लानी है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी शादी के बाद। मेरे बचपन की हॉबी थी एक्टिंग करना, डांस करना, तो वो भी मैं कर पाऊंगी। जब से भाग्यश्री मेरे लाइफ में आई है तब से मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। मेरे पति को पूरे महाराष्ट्र में और जलगांव में भी खाकी वर्दी के दर्दी गायक नाम से जाना जाता है।
वो तो पूरे फेमस है ही जलगांव में, लेकिन मैंने उनके साथ जो पिछले साल एक डांस का वीडियो बनाया था तो लोग मुझे मेरे डांसिंग की वजह से पहचानने के लिए लगे हैं। मेरे वाइफ को हीरोइन लेने का एक सबसे बड़ा रूल है मेरे लिए। इतनी हिम्मत भी नहीं उनमें कि वो किसी और को कास्ट करे। और वो कंपलसरी है क्योंकि रहना है उनको घर में। अभी तो मुझे मेरे पति के वीडियोस के थ्रू मेरी क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है, लेकिन केबीसी के बाद मेरे नॉलेज के लिए मुझे जाना जाएगा और मेरी वजह से मेरे पति की भी पहचान होगी। बहुत बधाई आपको भाईशी जी। थैंक यू सर। आप ही हमारे व्यवसाय में आपने प्रवेश कर दिया है। नहीं सर। पतिदेव गाना गाते हैं, नाचते हैं, आप भी नाच रही हैं। हाँ, अच्छा आपने बताया कि ये घर में नियम है कि हीरोइन का रोल जो होगा अगर नाटक कर रहे होंगे तो यही करेंगे और कोई नहीं करेगा। सर जब मेरा वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद मुझे काफी सारे एल्बम्स के फिल्मों के ऑफर आए थे, लेकिन मेरे लिए एक स्ट्रिक्टली नियम है कि मैं दूसरी हीरोइन के साथ काम नहीं कर सकता। ये आपने नियम बनाया था? जी सर बिल्कुल। थोड़ी सी छूट दे देते तो क्या हो जाता? नहीं सर। ना खेल कूद करके तो घर आने ही वाले हैं ना, और कहाँ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। 10,000 रुपए खेल का पहला पड़ाव आ गया है भाग्यश्री जी। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। हिंदू चंद्र पंचांग में कृष्ण और शुक्ल क्या हैं? इन द हिंदू लूनर कैलेंडर व्हाट आर कृष्ण एंड शुक्ल? विकल्प सुनिए, ए नक्षत्र, बी नेम्स ऑफ फोर्टनाइट्स, सी तिथि या डी ऋतु। नक्षत्र है, पखवाड़े के नाम है, तिथियां हैं या ऋतु? ऑडियंस बोल रही शांत हो जाओ, बोलते हैं तो चुप हो जाया करो। ओके, तो ऑडियंस पोल को लेना चाह रही हैं भाग्यश्री जी, और इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और फुल टाइम मदर की मदद कीजिए आप, और आपका समय शुरू होता है। आप बी पखवाड़े के नाम को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 63%। क्या करिएगा सर? प्लीज लॉक बी पखवाड़े के नाम। बी पे ताला लगा जाए पखवाड़े के नाम। कंप्यूटर जी, ऑडियंस इज बिल्कुल वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही। इधर भी धन्यवाद दे दिया आपने। और महीने में दो पक्ष या पखवाड़े होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और पहला पड़ाव पार हो गया, अब आपको मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड। ये थोड़ी सी उदार हो गई। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। अच्छा भाईशी जी, ये एक वीडियो प्रश्न है, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। प्रश्न ये है कि ये दृश्य इनमें से किस अभिनेता को समर्पित है? दिस सीक्वेंस पेज ट्रिब्यूट विच एक्टर, समझ गए? विकल्प रखूं आपके सामने, ए शशि कपूर, बी जितेंद्र, सी राजेश खन्ना या डी धर्मेंद्र। सर प्लीज लॉक डी धर्मेंद्र। लगा दे ताला। यस सर। श्योर है? यस सर। डी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। गाने का शीर्षक था कैरेक्टर ढीला, और इस गाने को ये सीक्वेंस शोले के एक सीन से पर आधारित है, जहाँ पर धर्मेंद्र जी जो हैं बोलते हैं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ऑलराइट, तो देवी संजो, ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा, ये टी सीरीज के सौजन्य से हमको संभव हो पाया, इसके लिए हम उनको अनेक अनेक आभार और नमस्कार करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनके। ऑलराइट भक्षी जी, आगे बढ़ते हैं, और ये आ रहा है 7वां प्रश्न आपके लिए, मूल्य है 40,000 रुपये। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। यहां भी हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए।
ये स्मारक किस शहर में स्थित है? In which city is this monument located? Can you see the image? ये है। विकल्प रखता हूं, ए नागपुर, बी कोल्हापुर, सी नासिक या डी नांदेड़। सर प्लीज लॉक, ए नागपुर। नागपुर श्योर है? यस। लगा दें ताला? यस। ए नागपुर कह रहे हैं, ताला लगा जाए। नागपुर चलिए बोल देते हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। दीक्षा भूमि नागपुर में स्थित बुद्ध या बौद्ध धर्म का एक बहुत ही पवित्र स्मारक है। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1956 में इस स्थल पर अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ओके आपसे थोड़ी सी व्यक्तिगत बात करेंगे हम। कैसे मिले आप लोग? सर हम दोनों की मुलाकात 6-7 साल पहले हुई थी। हमारे एक कॉमन फ्रेंड है, उसके यहाँ पे मिले थे एक शॉप में, जहाँ पे ये उनका माइक लेने के लिए आए थे और वहाँ पे एक यूनिफॉर्म में ही थे, वो गाना गा रहे थे, वो माइक चेक कर रहे थे। तब हमने उनको जाके अप्रिशिएट किया कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप अच्छा गा रहे हो और आप पुलिस में हो सच में, या कोई रिहर्सल नाटक के लिए रिहर्सल के लिए गए थे? बोले नहीं नहीं पुलिस हो। तो तब वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई और बाद में सोशल मीडिया पे हमारी और ज़्यादा बातचीत हुई, हम दोनों एक दूसरे के साथ नंबर शेयर किया और फिर हमारे दोस्ती ऐसे आगे बढ़ी और ऐसे जाके फिर हम दोनों ने पिछले साल अभी शादी की है, तो उसके लिए भी बहुत घर वालों को हमें मनाना पड़ा। ओ क्यों? सर क्योंकि हम दोनों की लव मैरिज है और थोड़ा कास्ट का प्रॉब्लम था घर वालों को, तो इसलिए फिर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा हमें। हमने एक साल तक घर वालों को मनाया, फाइनली जाके उन्होंने लास्ट ईयर जनवरी में हम दोनों की शादी करवा के दी। मेरे यहाँ से तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा ने हमें परमिशन दी थी, उनके यहाँ से किसी ने हमें परमिशन नहीं दी और आए भी नहीं कोई शादी में। एक उम्मीद थी कि आगे जाके सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन सर दूसरे दिन ही सब कुछ उल्टा हो गया। जब मैंने दूसरे दिन उनको कॉल किया कि पापा कैसे हो, मम्मी कैसी है, तो सर किसी ने ना फ़ोन उठाया ना कुछ रिप्लाई दिया, कुछ भी बात नहीं की। तो मैंने जब उनसे पूछा तो बोले हमारा जो कर्तव्य था वो हमने कर लिया, अब तुम तुम्हारी लाइफ खुश रहो। और तब से जाके सर आज तक मतलब इतने 1.5-2 साल हो गए, कोई भी संबंध नहीं है अभी? नहीं नहीं सर। बड़ा आश्चर्य होता है कि आज भी आजकल के जमाने में जी सर इस तरह के जाति को लेकर के भेदभाव है। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा दुख होता है, कष्ट होता है हमें। सर ऐसी एक रात नहीं जाती कि मैं रोती नहीं हूँ, वो बहुत ज्यादा याद आती है मुझे कि आज सर ये जो मैं यहाँ पे हूँ। उनको पता है कि आज आप केबीसी पे हैं? नहीं सर नहीं। नहीं पता? नहीं सर। अगर वो देखते हैं हमारा कार्यक्रम? सर वही तो बहुत बड़े फैन है आपके और शो के। आज कार्यक्रम देख रहे होंगे? हाँ सर हाँ देख रहे होंगे। मैं एक छोटी सी दृश्यता करने वाला हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। मैं आपके पिताजी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी बेटी को मना लीजिए, उनको और उनके पतिदेव को मान लीजिए कि ये अब आपके घर के हो गए हैं। इस तरह से भेदभाव रखना आजकल के ज़माने में अच्छा नहीं होता है, तो मेरी तरफ से गुजारिश भी है और प्रार्थना भी है कि आपका संबंध जो है बराबर वैसा ही हो जाए जैसे जब वो पैदा हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अजीब लगता है जब ये हो जी सर, इसलिए थोड़ा सा व्यक्तिगत भी हो जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं स्वयं एक पदार्थ हूँ इंटरकास्ट मैरिज का। हो सर। और मेरी माताजी सिख परिवार से। हाँ। और मेरे बाबूजी उत्तर प्रदेश से कायस्थ परिवार से जी सर। लेकिन जब उन्होंने तय किया तो थोड़ा बहुत विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद मान गए। उसके बाद सारे संबंध जो थे वो बनते रहे। और मैं ये 1942 की बात कर रहा हूँ, 1942, तो आप समझ सकते हैं। हाँ, कितने वर्ष भी थे। जी सर जी, अब तो हम 21। और हमारा नाम जो है ना, ये जो सरनेम है बच्चन, ये जानबूझ करके बाबूजी ने बच्चन रखा, क्योंकि सरनेम से जाति का पता चल जाता है। जब
किसी स्कूल में भर्ती करने मुझे ले गए तो उन्होंने पूछा कि इसका सरनेम क्या है। उसी समय माँ बाबू जी ने तय किया कि हम जाति का नाम नहीं डालेंगे, इसका सरनेम वो रखेंगे जो बाबू जी का उपनाम है, कवि उपनाम जो था बच्चन, ताकि पता ना चले कि ये इस कास्ट से। सर सच में। और मैं पहला वो हूँ जिन्होंने परिवार का नाम जो है बच्चन रखा। अच्छा। तो हमको बहुत अच्छा नहीं लगता है जब इस तरह की। सर, लोग अभी भी 21वीं सदी में भी सरनेम से या किसी जात की वजह से ना हमें ये बड़े दुख और कष्ट की बात होती है। जी सर जी। ऑलराइट, चलिए भाग्यश्री आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आएगा आठवां प्रश्न, ये है 80,000 रुपए के लिए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के मलाबार सागर तट के देशज किस मसाले को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है? Which of these spices is also known as black gold and is native to the Malabar coast of India? A. Black cardamom. B. Clove. C. Black pepper. या D. Black cumin. हिंदी में बोलता हूँ, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च या कलौंजी। सर मुझे सी लग रहा है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर, इसमें सी काली मिर्च लग रहा है सर मुझे। सर काली मिर्च। काली मिर्च। यस सर। कंफर्म है ये? यस सर। सी ब्लैक पेपर काली मिर्च। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ब्लैक गोल्ड, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, सही जवाब दिया आपने। काली मिर्च यार सबसे पुराने मसालों में से एक है। विश्व प्रसिद्ध भारतीय गरम मसाले में ऐतिहासिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से काली मिर्च का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और मूल्य ज़्यादा और उपजाने वाले किसानों के लिए इसकी खेती फायदेमंद होती है, इसलिए इसे काला सोना या ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। Yes, तो खाने वाने पकाने में आपकी रुचि है कि नहीं? हाँ सर। है ना? हाँ। भाई साहब कैसा खाना बनाते हैं? बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं सर जी। यहाँ तो आप बोलेंगे ही कि बहुत बढ़िया है। नवा प्रश्न, 160,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा भाग्यश्री जी। इनमें से किस वेबसाइट के लोगों में एक अधूरा ग्लोब है? विच ऑफ दीज वेबसाइट्स फीचर्स एन अनफिनिश्ड ग्लोब इन इट्स लोगो? विकल्प सुनिए, ए विकिपीडिया, बी IMDb, सी ब्रिटानिका या डी कोरा। सर ए विकिपीडिया लग रहा है मुझे। विकिपीडिया लग रहा है आपको? यस सर। ओके, क्या करें सर? विकिपीडिया। विकिपीडिया ये लॉक किया। ए पे ताला लगा जाए। ऑलराइट, विकिपीडिया ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, इज द राइट आंसर वेल प्लेड। एक लाख 60,000 रुपए जीत लिए आपने। जी सर। विकिपीडिया एक मुफ्त वेब आधारित और सहयोगी बहुभाषी विश्वकोश है ये। यस। ऑलराइट, अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। भाग्यश्री जी, जी सर, बिल्कुल चांस मत लीजिएगा। नहीं सर। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये। अभी तक आपकी 3 लाइफलाइन बची हुई हैं। बहुत सुंदर तरीके से खेल रही हैं आप। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर एक महिला अंतरिक्ष यात्री का जन्म स्थान है? Which of these cities is the birthplace of a woman space traveler? A. Ludhiana. B. Karnal. C. Lucknow. D. Guwahati. सर मुझे करनाल लग रहा है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इसमें। सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द करेंगे, शांत हो जाइए, दुख दुखी जी। कंप्यूटर मान्यवर,
एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं भाग्यश्री जी, फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित कर दीजिए और इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा। सर बी करनाल। बी करनाल, करनाल पे ताला लगाया जाए। अरे देवी जी, ये सही होता अगर आप खेल जाती। कल्पना चावला। हाँ यस सर। नाम आपने सुन लिया होगा। हाँ सर। हाँ। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना चावला 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल के सदस्यों में से वो एक थे। ओके, अब इस प्रश्न को हटा देंगे और एक सूची दी गई थी आपको, आपसे चुनिए कोई एक विषय को। ये है वो सूची, आपने क्या चुना? माय सिटी माय स्टेट। माय सिटी माय स्टेट, ऑलराइट। तो कंप्यूटर महाशय, माय सिटी माय स्टेट यानी कि जलगांव और महाराष्ट्र के आधार पर अगला प्रश्न भाग्यश्री जी के लिए प्रस्तुत किया जाए। ये आ गया है प्रश्न भाग्यश्री जी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में बहने वाली भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? द भीमा रिवर विच फ्लोज इन महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तेलंगाना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? और आपके विकल्प हैं ये आपके सामने, ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी नर्मदा या डी ताप्ती। कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या ताप्ती? मुझे कृष्णा लग रहा है, कृष्णा और गोदावरी दो में कंफ्यूज हूं मैं। सर मैं 50-50 लूंगी सर। शांत हो जाइए कंप्यूटर जी, भाग्यश्री जी एक 50-50 लाइफ लाइन लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दीजिए। अब जैसे ही आप जानते हैं दो गलत विकल्प मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर ए कृष्णा, बी सी नर्मदा है। जी सर, ए कृष्णा कंफर्म। लगा दें? यस। कृष्णा पे ताला लगाया जाए। ये दोबारा आपने लाइफलाइन लिया और सही हो गया, बिल्कुल सही जवाब दिया। भीमा नदी जो है इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। यस सर। और फ्लोइंग थ्रू महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, इट राइजेस इन द वेस्टर्न घाट्स। जी सर। 3,20,000 रुपए जीतने और चेक आ रहा है आपके नाम, तालियां बज जाएं जोर से इनके लिए। तीन लाख बीस हजार रुपए चेक आ गया आपके नाम, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सर इसे आप हॉट सीट क्यों बोलते हैं ना सर, ये आप पता चल रहा है? पता चल गया है। पता चल रहा है सर, कई बार मन में दुविधा हो जाती है। इसी में सर पसीना छूट रहे हैं। नहीं, पसीना बिल्कुल नहीं छूटी, आप बहुत सुंदर खेल रही हैं। जी सर। ये जो आपने 3,20,000 रुपए जीते हैं इसका उपयोग कैसे होगा? सर मेरे पापा का सपना था कि मैं केबीसी में आऊँ। जी जी। तो इसलिए सर मैं यहाँ आई हूँ और जो भी मैं धनराशि जीतती हूँ तो मैं मेरे मम्मी पापा के लिए एक घर खरीदना चाहूंगी। वो भले अभी मुझसे बात नहीं करते, मुझे लगता है कि अवसर है कि आप व्यक्तिगत रूप से उनको आप बता दें। यदि आप कैमरा में देख करके उनसे बात करना चाहें आप बोल दीजिए, क्या बात करना चाह रहे हैं? पप्पा आज तुमचं स्वप्न पूर्ण करते मी, तुम्ही दोन स्वप्न बघितले होते माझ्यासाठी, त्यातला आज एक स्वप्न पूर्ण करते, तुम्हाला गौरव वाटेल, सन्मान तुमचा वाढेल, असं तर मी आजवर काही करू शकले नाही, पण इथून पुढे नक्की करेल पप्पा। आणि जी काही चूक मी केली आहे किंवा ज्यामुळे तुम्ही हर्ट झालात त्यासाठी मी आयुष्यभरी माफी मागितली तरी कमी आहे, कारण की तुमच्या डोळ्यातले अश्रू ज्या दिवशी मी बघितले होते तो सगळ्यात वाईट आणि सगळ्यात दुःखद दिवस होता माझ्यासाठी। त्यानंतरच आम्ही ठरवलं की यानंतर तुमचा चेहऱ्यावरती आनंद येईल आणि तुम्ही गौरव स्वतःला सन्मानित कराल, असंच मी काही करेल। तर आज माझं खूप दुर्दैव पप्पा की तुम्हाला कंपॅनियन म्हणून नेहमी माझ्यासोबत यायचं असं वाटत होतं, पण आज तुमचं एक्सप्रेशन पाहण्यासाठी सुद्धा आपके पिताजी शायद लाइन पे हैं और अन्ना साहब कालमेघ जी, मैं
आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी बेटी की आवाज़ सुन लीजिए जो उन्होंने कहा है, और यदि आप इस समय पर कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। वो सुन रही हैं। हेलो जी, लाइन पे जी। आप बात कर सकते हैं अपनी बेटी से। पापा। हाँ, जाएगा जाना। जाएगा जाना। क्या कर रहा सुनो, और चांगला खेल परमेश्वर नाव है जे आता दादा समोर जे आपले संबंध आहे ते संबंध चालू ठेवून जो आपण। सॉरी पप्पा। आमचे आशीर्वाद आहे जे झालेलो आहे ते पण याच्यात विकून आल्यावर मग घरी येऊन जा, आम्ही मशीन भेटलो मग। आणि त्यांना सांगा गावाले रिश्तेदार यांना सगळे नमस्कार करायला लागतो। हो, घाबरू नको, टेन्शन न घेऊ, आराम शांतात न घ्या। हो पप्पा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अन्ना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए बस इतना ही बहुत होता है हम सबके जीवन में, है कि नहीं? और उसी आशा के साथ आप आगे भी बढ़िए और अपना जीवन, वैवाहिक जीवन, अब आप तो एक माँ बन गई हैं, उसका जीवन आप व्यतीत कीजिए। हम सब की प्रार्थना है आपके साथ। माँ बाप बनने के बाद ही सच में जब हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ना जी, कि जी, जब तू माँ बनेगी तब तुझे समझेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर ये वही बच्चे बात जो है वो समझते नहीं है, समझते नहीं है सर, सच में नहीं समझते। और जब तक वो माँ बाप नहीं बन जाते हैं तब उनके समझ में आता है, बार बार यही बोलते रहते हैं हम उनको। जी जी जी, जब से तुम बाप बनोगे, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि माता पिता के मन में क्या चलता है। सच में आते। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। देवेंद्र सजनो, भाग्यश्री खाड़े जी हमारे सामने विराजमान हैं। ओके भाग्यश्री जी, अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, यहाँ पर हमारा जैकपॉट प्रश्न जो है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। और ये दुगदुगी जी एकदम शांत हो जाएंगी, आपके पास समय समय प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। एक लाइफलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है, वो बची हुई है आस्ती एक्सपर्ट की। 11वां प्रश्न आ रहा है जो कि नो रिस्क वाला प्रश्न। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। रामनाथ कोविंद जी 2017 राष्ट्रपति चुनाव में किन्हें हराकर भारत के राष्ट्रपति बने? हु डिड रामनाथ कोविंद जी डिफीट इन द 2017 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए मीरा कुमार, बी नजमा हेपतुल्ला, सी मोहसिना किदवई, डी शीला दीक्षित। सर मुझे ए मीरा कुमार लग रहा है। मीरा कुमार ही लग रहा है मुझे इसमें। सर ए मीरा कुमार लॉक कीजिए। लगा दें ताला? जी सर। ऑलराइट, ताला लगाया जाए मीरा कुमार। इन चारों का आपने नाम सुना हुआ, क्या लगा आपको कि यही होना चाहिए? सर मैंने पढ़ा था लेकिन बहुत टाइम से पढ़ाई के रिवीजन में नहीं आया तो इसलिए याद नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन पहला नजर मेरे मीरा कुमार पे ही थे।
जब ये इलेक्शन का चल रहा था तब मैंने मीरा कुमार का ही नाम थोड़ा सुना था। आपने सही पढ़ा, बिल्कुल सही जवाब है आपका ये। वन प्लेट 6,40,000 रुपए जीत गई आप। रामनाथ कोविंद जी को 7,02,044 वोट मिले, जबकि मीरा कुमार जी के खाते में आए थे 3,03,67,314। राष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पहले रामनाथ कोविंद जी बिहार के राज्यपाल थे, वो मीरा कुमार जी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। यस। ऑलराइट, वेल प्लेड भाग्यश्री जी, वेल प्लेड, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है आपने। Yes. और आपकी ज्ञान की हम प्रशंसा करेंगे, क्योंकि जितने भी आपने उत्तर दिए हैं वो बहुत ही सोच समझ कर एकदम सही थे। जहाँ कहीं भी आपने लाइफलाइन भी ली वहीं भी आपने सही सोचा सही था सर, इस बात की हम दाद देते हैं आपको। और एक्चुअली केबीसी मेरे लिए, मतलब मेरी बेटी जितनी मुझे इम्पोर्टेंट है तो केबीसी मुझे उतना ही मायने रखता है सर। जी जी। क्योंकि जैसा आपने अभी मुझे सरप्राइज दिया है केबीसी के थ्रू, तो ये मेरे पापा के साथ मेरे रिलेशन पहले जैसे होने के लिए ये बहुत मैटर करता था जी, सर। जी, जी। सर इनफैक्ट मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगी जी, जी। कि जब मैं 8 सालों से सर ट्राई कर रही हूँ केबीसी के लिए, अच्छा। लेकिन सर मेरा कभी भी नंबर नहीं आया या फोन कॉल नहीं आया। लेकिन इस साल सर मैंने फिर रजिस्ट्रेशन किया, फिर मुझे कॉल आया उन लोगों का। जब डेट थी मेरे पीआई की, तो उस टाइम सर मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट थी। हाँ, और 30 जून को मेरा पर्सनल इंटरव्यू था और मेरी डिलीवरी की डेट 9 जुलाई थी, सिर्फ 8 या 9 दिन ही बाकी थे। तो फिर भी आपने ट्रैवल किया सर, आप समझ सकते हो कि मुझे केबीसी कितना मायने रखता है, क्योंकि आज मतलब केबीसी के थ्रू मैं जो हासिल कर सकती हूँ ना सर, वो शायद मैं कुछ भी कर देती ना तो पापा शायद ऐसे बात ही नहीं करते मेरे से। सर बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन ऐसी अवस्था में ट्रैवल करना, सर, यात्रा करना बहुत ही मुश्किल, बहुत रिस्क। मैम जब मेरी आपको जाने कैसे दिया सर, वही तो वैशाली मैम ने मुझे क्लियर बोला था कि देखो अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन खुद के रिस्क पे जाओ। मैं इसमें रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि 8-10 दिन पहले तो हो ही जाती है डिलीवरी। अगर तुम्हें ट्रेन में पेन चालू हो गया, कुछ हो गया, तो तब क्या करोगे? तो मैंने कहा देखते हैं। हम दोनों ने आके फिर घर में डिसाइड किया कि रिस्क तो लेना ही है, क्योंकि ये सर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है सर। यहाँ पे आना ही करोड़ जितना है सर, मतलब इतना ये स्टेज पे आने के लिए कितनी मेहनत लगती है और कितना जी, ये जी, जी। तो ये सर जो सर जो ये जो यहाँ पे आते हैं या जो 20 सालों से ट्राई कर रहे हैं सर, सिर्फ वही इसका मायने समझ सकते हैं कि केबीसी में आने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो सर पहले तो मेरी बैग फुल मेकअप किट से भरी हुई रहती थी, सब मेरा मेकअप का सामान, स्ट्रेटनर वगैरह सब 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 रहता था। लेकिन तब से जाके सर अब तक मेरी बैग पूरी चेंज हो गई, सब वो सब मैटरनल बैग बन गई सर अभी जी। तो मैं जब गई थी मुंबई, तो रास्ते में हमने ट्रेन से जाने का डिसाइड किया दोनों ने। तो सर रास्ते में जो 4-5 स्टेशन लगने वाले थे मुंबई आते वक्त, तो सर हम दोनों ने जाने से पहले ही जो रेलवे स्टेशन का सबसे नज़दीक का जो हॉस्पिटल रहेगा, मैटरनिटी हॉस्पिटल, तो उसका नंबर हमने डायरी में पहले नोट करके रखा था कि अगर पेन शुरू भी होता है तो इंस्टेंट डिलीवरी होगी नहीं, 2-3, 4-5 घंटे या 10 घंटे का हमें टाइम मिलता है। और 2-2 घंटे बाद जो ट्रेन रुकने वाली थी, हमने उसी ट्रेन का रिजर्वेशन किया। और सर सबने पीआई के लिए जाने के लिए सबने ड्रेस वगैरह लिए हो गए, और सर मैंने सब मेरे होने वाले बेबी के लिए सब वो मैटरनिटी बैग पैक करके मैं लेके गई थी इंटरव्यू के लिए। तो वो होटल में रख के फिर इंटरव्यू गई, और इंटरव्यू जाने के बाद फिर होपफुली अच्छा हो गया सर, और भगवान की कृपा से मैं घर अच्छे पहुंच गई। वाह वाह, वेल डन। कितनी मेहनत की आपने भाग्यश्री जी। सर बहुत, ये और सिर्फ कितना सोचा आपने कि साथ में सब कुछ ले जाना चाहिए जी, अस्पताल कौन से नजदीक स्टेशन पे है। वाह सर, ये सब मतलब उसका परिणाम आज निकल रहा है। हाँ सर, वो सब वर्थ इट हो गया सर। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज जितनी आपने धनराशि जीती उससे कहीं ज्यादा जो आप अपने पिताजी से आज आप बात कर सके। वो वहाँ पे सर मैं करोड़पति बन गई हूँ अभी जी, वो अच्छा लग रहा है सर मुझे सच में। ओके, बहुत बहुत बधाई आप। अब आपका ध्यान हम चाहते हैं कि अगले प्रश्न पर आए, और वो है 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए का। तैयार हो जाइए भाग्यश्री जी, अगला प्रश्न 12वां प्रश्न
12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राजा हरिश्चंद्र जो अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे, किस राजा के पुत्र थे? अकॉर्डिंग टू एंशियंट स्क्रिप्चर्स, किंग हरिश्चंद्र, नोन फॉर हिज ट्रूथफुलनेस, वॉज द सन ऑफ विच किंग? उनकी गाथाएं तो आपने सुनी होंगी। ए सगर, बी भगीरथ, सी त्रिशंकु, डी सीबी। ए सगर, बी भगीरथ, सी त्रिशंकु, डी सीबी। अगर मन में संदेह है तो अभी भी मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है, आस्ती एक्सपर्ट। सर भगीरथ और त्रिशंकु में मैं थोड़ा डाउट है, शायद भगीरथ लग रहा है मुझे। सर मैं आज दे एक्सपर्ट लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन नहीं चाहिए। ऑलराइट, ओके। कबीर महाशय, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए। सुजन पाल सिंह जी प्रकट हुई हमारे सामने और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। सर प्रणाम करता हूँ आपको। सर प्रश्न आपके सामने फिर से पढ़ के मैं सुनाता हूँ। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राजा हरिश्चंद्र जो अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे, किस राजा के पुत्र थे? 60 सेकंड मिलेंगे जैसा कि आप जानते हैं, और विकल्प हैं ये आपके सामने, ए सगर, बी भगीरथ, सी त्रिशंकु या डी सीबी। ये जो सवाल है काफी माइथोलॉजी में रूटेड सवाल है, और जो इसका सही जवाब है वो बाल कांड में मिलता है, और जो सही जवाब है वो है त्रिशंकु। इक्ष्वाकु क्लैन, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के वंशज थे, और त्रिशंकु को हम जानते हैं लिम्बो के नाम से भी, कि दो चीज़ों के बीच में वो लिम्बो में रहते थे। और त्रिशंकु के जो पुत्र थे वो थे राजा हरिश्चंद्र। तो भाग्यश्री जी आपका भाग्य अच्छा चला है, इस सवाल का जवाब त्रिशंकु होगा। सहमत है उनसे आप? जी सर। क्या करें? सी त्रिशंकु लॉक। सी पे धारा लगाया जाए। कंप्यूटर जी वाह, सुजन पाल सिंह जी आपने इनको जितवा दिए हैं 12,50,000 रुपए। ओके, त्रिशंकु इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे जिन्हें ऋषि विश्वामित्र ने सशरीर स्वर्ग भेजा था। देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से वापस पृथ्वी की ओर ढकेल दिया। नीचे गिरते हुए त्रिशंकु को ऋषि विश्वामित्र के बीच में ही लटकाकर उनके लिए स्वर्ग का निर्माण किया। जी सर। त्रिशंकु का वास्तविक नाम सत्यव्रत था। ओके, 12,50,000 रुपए जीत ले आपने भाग्यश्री जी। थैंक यू। और अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो 25,00,000 रुपयों का है, और वो प्रश्न अब आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। अगला प्रश्न 25,00,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने 1892 में पुणे में आगा खान महल का निर्माण किस आपदा से प्रभावित गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए करवाया था? मोहम्मद शाह आगा खान द थर्ड बिल्ट द आगा खान पैलेस इन 1892 इन पुणे टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू पुअर पीपल हु हैड बीन ड्रास्टिकली अफेक्टेड बाय व्हाट? समझ गई प्रश्न को? विकल्प को समझिए। ए एपिडेमिक, बी फैमिन, सी फॉरेन इन्वेजन, डी अर्थक्वेक। क्या वो महामारी की वजह से बना था? अकाल, बी सी विदेशी आक्रमण या डी भूकंप। सर मुझे महामारी लग रहा है। Okay.
क्योंकि सर उस समय शायद प्लेग की महामारी आई थी, मुझे साल याद नहीं आ रहा है अच्छे से। अकाल, महामारी या अकाल, क्योंकि यहां अगर गलत हो गया तो फिर आप नीचे गिर जाएंगे 3 पीस। सोचने के बाद, परिश्रम के बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं तो आप क्विट कर सकती हैं, 1250 साल जीते। सर महामारी ही लग रहा है मुझे, क्योंकि पुणे में ही प्लेग के साथ आए थे उस टाइम। आपको ये सोच लेना चाहिए कि 1,50,000 रुपए आपके लिए कितना मायने रखते हैं। जी सर। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास, एकदम सही उत्तर होना चाहिए, वरना अगर गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे आप 3 बीस। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन ये जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको हम ये एक चेतावनी देते हैं। शायद अकाल भी सर उस टाइम बहुत ज्यादा पड़े थे। सर मैं रिस्क नहीं ले सकती इस यहाँ पे आके। सर मैं क्विट करूंगी। नहीं आ रहा उत्तर। नहीं। ओके। दोनों में कंफ्यूज हूँ मैं, तो मैं 12.5 लाख पे आके सर ये रिस्क नहीं ले सकते सर। अंतिम निर्णय है ये आपका? यस सर। और अनुमति देते हैं आपको भाग्यश्री जी कि आप गेम क्विट कर सकें और 12,50,000 रुपए जीतने हैं। तालियां बजाने के लिए। और ये 12,50,000 रुपए डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। बारह पचास कन्फर्म। और ये पहुंच गया आपके अकाउंट में तुरंत। बहुत बहुत बधाई, वेल प्लेड, बहुत अच्छा लगा भाग्यश्री जी आपके साथ। अब इस प्रश्न का उत्तर बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर ए, एपिडेमिक महामारी। ताला लगा जाए, बच गई आप, ये गलत है। सही है फैमिन, वहां भी आपका ध्यान गया था, अकाल पड़ा था। हाँ सर। इस इमारत आज गांधी राष्ट्रीय स्मारक सोसाइटी का मुख्यालय भी है और सुल्तान अहमद शाह आगा खान तृतीय ने 1892 में इस महल का निर्माण परोपकार के रूप में उन लोगों के लिए किया था जो उस समय पुणे में बुरी तरह से फैले अकाल से काफ़ी प्रभावित थे उस समय। और आज भी वो आगा खान पैलेस जो है जाना जाता है गांधी राष्ट्रीय स्मारक के रूप में। और ओके, मुझे इस बात की खुशी है कि आज आपकी बात जो है आपके पिताश्री से हो सकी, उनका आशीर्वाद आपको मिल चुका। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके कंटेस्टेंट्स, आपकी बारी एक बार फिर आ गई है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन से आभूषण कान में पहने जाते हैं? Which of these items of jewelry are worn in the ear? और आपके options ये आपके सामने। A झुमका बाली, B नथ लौंग, C हार माला, D पायल बिछिया। झुमका बाली, नथ लौंग, समय समाप्त हो गया है, सही उत्तर क्या होना चाहिए? झुमका बाली। झुमका बाली सही उत्तर है और जिन जिन लोगों ने A में उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय में किसने दिया है? सबसे कम समय इंसिया अरोरा जी, 1.42 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पर जो स्थिति बनती है वो ये कि इंसिया जी नंबर वन स्थान पर। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। शतरंज की विसात में गहरे रंग के कितने वर्ग होते हैं? हाउ मेनी डार्क कलर्ड स्क्वायर्स डज अ चेस बोर्ड हैव? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, A30, B28, C32, D31। 30, 28,
32, 31. समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? C 32, 32। और जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। दो को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका? अभिषेक राजपाल जी ने 1.10 सेकंड में दिया। तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है देखते हैं। अभिषेक राजपाल जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कन्याकुमारी से जम्मू और कश्मीर की ओर यात्रा करते वक्त इनमें से कौन सा तीर्थ स्थल सबसे पहले पड़ेगा? Which of these pilgrimage sites will come first while traveling from Kanyakumari to Jammu and Kashmir? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए बद्रीनाथ, बी जगन्नाथपुरी, सी केदारनाथ, डी वैष्णो देवी। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ, वैष्णो देवी। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? वो है बी जगन्नाथपुरी। अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। तीन को छोड़ के सभी का सही जवाब है। और सबसे तेज जवाब किसका है? मोहित कुमार जोशी जी ने दिया है। और लीडर बोर्ड की क्या स्थिति बनती है ये देखा जाए। मोहित कुमार जोशी, मोहित कुमार जोशी जी जीत गए। भाई साहब आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे ज्यादा जो आपके परिवार के लोग आए हैं वो ज्यादा कूद रहे हैं। एक बार दिखाइए कैसे आप खड़ी हुई थी। ये शाबाश, सही बात। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट मोहित कुमार जी, अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा सर। लग रहा है अच्छा? बहुत अच्छा। ओके। अरे यार बात करने का अवसर ही नहीं दिया। मोहित कुमार जी जैसा कि आप देख रहे हैं हूटर बज गया, तो आज का खेल यहीं समाप्त करेंगे। जी जी। और कल आकर के आपके साथ खेल की शुरुआत करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बनी रहे सर। और ज्यादा शुभकामनाएं आपके परिवारजनों को दे रहे हैं। जी जी जी। बहुत उत्साह दिखाया। जी। बहुत प्रसन्न हो गए। जी। प्रभावित भी हो गए। जी। कितनी तारीफ कर दिया। ये मेरी पूंछ है, मैं जहाँ जाता हूँ ये दोनों मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। आपकी पूंछ है ये? ये दोनों मेरे छोटे भाई और छोटी बहन हैं। कई बातों में ये अच्छी बात है। जी। और भाई साहब कई बातों में ये अच्छी बात नहीं है। समझ जाइए हम क्या बोल रहे हैं। ओके चलिए कल आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो एक्सपर्ट हैं सृजन पाल सिंह जी, उनसे हम विदाई लेंगे। सृजन पाल सिंह जी एक बार फिर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपना समय निकाल कर हमें साथ दिया। एक बार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। तो देवी सज्जनों आज का समय यही समाप्त हो गया है। ये देखिए ये जो हॉट सीट है इससे जितना प्यार हमारे खिलाड़ी को है इस हॉट सीट को भी हमारे खिलाड़ियों से उतना ही प्यार रहता है और इंतज़ार भी रहता है। अब देखते हैं कि कल यहाँ किसका इंतजार खत्म होता है और किसका प्यार जो है वो परवान चढ़ता है। गुड नाइट, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।